और अगस्त मुनि जी को तो आप जानते ही होंगे, सती अनुसुईया के हस्बैंड थे। और वो नीचे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और देखो वहाँ पर हो रही है माइनिंग, बालू वगैरह निकल रही है। फिलहाल इस जगह से चलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था, मजा आ गया यहाँ पे आके। और रोड फुल टाइम हमें ऐसी ही मिली है, मतलब बहुत अच्छी रोड है। एक दिन में आप सोनप्रयाग आओ, एक दिन की ट्रैकिंग करके केदारनाथ मंदिर पहुँचो, और नेक्स्ट डे दर्शन करके वापस आओ, और उसके नेक्स्ट डे वापस। यहीं रुक रहे हैं क्या? यहाँ पर लंच करने का डिसाइड किया है, लवकुश रेस्टोरेंट। एंड आई थिंक इधर तीसरी बाइक की जगह नहीं है। भाई हम लोग जो लंच करने आए थे वहाँ पर सिर्फ आलू पराठा, मिक्स वेज यही सब मिल रहा है। तो अक्सर मैं पराठे खाता हूँ, तो हम लोगों ने, दो लोगों ने ऑर्डर किया मिक्स वेज, और दो भाइयों ने ऑर्डर किया है आलू पराठा। आलू पराठा भी आ रहा है। लाइक हम कहीं भी चाहे शॉर्ट राइड हो चाहे लॉन्ग राइड हो, हमें क्या मिलता है खाने में? पराठा। और मैं कहीं भी गया, चाहे लद्दाख तक गया या कहीं भी गया, अक्सर क्या चाहिए मेनू में? पराठा। क्योंकि कुछ और खाओ ना तो उसमें रिस्क रहता, पता नहीं कैसा टेस्ट दे। आ गया इन भाई लोगों का भी आ गया है। और यहाँ से अब चोपटा दिखा रहा है 89 किलोमीटर, और 2.5 घंटे की डिस्टेंस दिखा रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि आज हमारा डे वन है। किला फतेह हो पाएगा या नहीं? उस दिन भाई जो गोल गोल है ना वो फ्लैट बन जाएंगे। वो अभी भी हो गए हैं। खाने को फिनिश करते हैं इससे पहले ठंडा हो। यहाँ से अब निकलना है देवप्रयाग से लंच करने के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। बट यहाँ जो लंच कर रहे थे उस समय सबकी हालत ऐसी थी कि कोई भी, मतलब क्योंकि सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी रात नहीं सोए, कुछ ऐसे हैं जो कल भी नहीं सोए थे, सो इसकी वजह सबकी हालत खराब हो चुकी है। जो हमारा चोपटा वाला प्लान है वो अभी तक कैंसिल नहीं है, हिम्मत सब लोग बना रहे हैं बट बन नहीं पा रही है। रीजन क्या है कि इतना ज्यादा सबकी हालत खराब हो रखी है। श्रीनगर चलना बेसिकली अपने को तो अभी पहले। यार यहाँ पानी का कलर देखो कितना, मतलब साफ है। एक अपने उधर है यमुना नदी। भाई ये जितना भी आपको काम दिख रहा है ना, ये सारा का सारा बाद में बना हुआ है, सारी रोड वगैरह सब कुछ बाद में किया गया है। बट एक चीज नोटिस करी है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ है ना, मोस्टली अब सूख गए। पहले जो होता था ना पहाड़ों पे एकदम घने जंगल, बट अब वो सब कुछ खत्म सा लग रहा है। और इसीलिए क्या होता है, जब बरसात होती है ना तो ये सब खिसकने लगता है, क्योंकि ट्रीज तो रहे नहीं यहाँ पे। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. अभी रास्ते में सबसे पहले श्रीनगर पड़ेगा, फिर रुद्रप्रयाग, और जैसे जैसे धूप बढ़ रही है अपने को फील नहीं हो रही है बिल्कुल भी, हवा लगती रहेगी शरीर में। फर्स्ट डे तो देखना बहुत स्टिकनेस और सब कुछ रहेगा, उतरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नीचे। यार ये रोड इतनी सही बनी हुई है ना, बहुत अच्छी। मतलब मैं ब्लॉक करने के टाइम पे थोड़ा स्लो कर लेता हूँ क्योंकि विंड नॉइज आती है, वरना 80-90 तक आराम से चल रही है। बहुत ज्यादा शार्प टर्न कर भी कुछ नहीं है, मतलब बहुत सही रोड बना दिया गवर्नमेंट ने। भाई एक प्रॉब्लम हो गई थी गोप्रो की, जो बैटरी मैंने चेंज की थी ना, वो जब मैंने चेंज करके लगाई तो उसके बाद गोप्रो चल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। फिर दोबारा दूसरी बैटरी लगाई, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर में। ये वो श्रीनगर नहीं है जो जम्मू कश्मीर में, और ये श्रीनगर है गढ़वाल का। एक जम्मू कश्मीर में है, एक है ये गढ़वाल में। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी रुद्रप्रयाग जाना है। फिर उसके बाद अभी प्लान तो हमारा बन रहा था चोपटा कर लिए, बट हो क्या रहा है अभी 1 बज गया है, और चोपटा पहुँचते पहुँचते हमको लग जाएगा काफी टाइम। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम आज दर्शन नहीं कर पाते हैं तुंगनाथ टेम्पल में, तो फिर कल जाएंगे, और कल जाएंगे तो कल का हमारा पूरा दिन चला जाएगा। तो उसके बाद चढ़ाई करनी पड़ेगी हमें परसों, तो हमारा पूरा शेड्यूल जो है वेस्ट हो जाएगा। सो बेटर ये रहेगा, हमने डिसाइड किया सोनप्रयाग जाते हैं अभी, दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद रिटर्न में अगर टाइम बचता है तब जाएंगे चोपटा तुंगनाथ टेम्पल। फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो रखी है, बहुत भयंकर। श्रीनगर से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, और हमारे पैरेलल में चल रही है लेफ्ट साइड में कंटिन्यू अलकनंदा रिवर। जो अलकनंदा देवप्रयाग पे मिली थी वही अलकनंदा रिवर है, और ये आगे रुद्रप्रयाग से ही आ रही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है और आगे बढ़ती है अलकनंदा बनके, क्योंकि जो बड़ी रिवर है वो है अलकनंदा, तो उसी के नाम से ये आगे बढ़ती है। अलकनंदा के 5 प्रयाग है, मतलब 5 जगह पे वो दूसरी रिवर के साथ मिलती है। उसी में है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग,
सोनप्रयाग एक और है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। और कहा जाता है कि जब यहाँ पे आपदा आई थी तो ये जो ऊपर ऊपर की जहाँ से मिट्टी वो सब निकली हुई दिख रही है, वहाँ तक जाके पानी ने उसको कट कर दिया था। तो काफ़ी खतरनाक कंडीशन हो गई थी यहाँ पे। इस तरह की रोडों में, ख़राब रोड जो होती हैं वहाँ पे डोमिनार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, और बाइक के कंपैरिजन में जो हमारे साथ चल रही है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। चाहे शॉकर ले लो, चाहे ब्रेकिंग ले लो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। नोएडा से लेकर के श्रीनगर तक पूरी रोड बहुत अच्छी थी। अब आगे कैसी है वो तो मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ तक आगे बन रही हो धीरे धीरे, बट यहाँ तो फिलहाल रोड इधर आगे आके सही मिल गई है हमें। टाइम हो रहा है 2:22। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे रुके थे और था क्या, बॉडी एकदम टायर्ड हो चुकी थी, चली नहीं जा रही थी, दर्द बहुत हो रहा था, तो इसकी वजह से सब लोग यहाँ पे रुक गए थे चाय वाय पी। और चाय वाय पीने के बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग 11 किलोमीटर। सबसे पहले तो वहीं चलते हैं। अभी कुछ सही लग रहा है, पहले से तो बेटर लग रहा है, पहले तो यार ये बहुत दर्द हो रहा था। ये देखो यहाँ पर अजीब सा छाला सा पड़ गया है। फिलहाल अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आज अगर हम लोग टाइम से पहुँच गए आगे तो फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। गुप्त काशी गौरी कुंड के लिए इधर जाना है, ये रास्ता है। बे ऊपर रास्ता कहाँ जाता है? चमोली बद्रीनाथ। ये चोपटा भी होके जाता है क्या तुंगनाथ? तो ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है वो जा रहा है बद्रीनाथ के लिए, और नीचे वाला जा रहा है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग और केदारनाथ के लिए। अलकनंदा का पानी हर जगह पे मिट्टी वाला ही है, चाहे हमने देवप्रयाग में देखा था वहाँ पे भी भागीरथी का एकदम साफ था और इसका गंदा था। ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी, पूरा मैप बना हुआ था वहाँ पे। ये यहाँ पे देखो टॉयलेट वगैरह बनाए हुए हैं साथ में। अब ये केदारनाथ जी की तैयारियों के चक्कर में है या परमानेंट है वो तो नहीं पता, बट बहुत अच्छा है ये सब। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। सो इधर से आ रही है मंदाकिनी, उधर से अलकनंदा, और दोनों मिलके बना रही हैं अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा का साइज जो है बड़ा है, तो जो रिवर बड़ी होती है उसी के नाम पे बन जाती है। रुद्रप्रयाग भी क्रॉस हुआ, अब आगे हमें पड़ेगा अगस्त मुनि। और अगस्त मुनि जी को तो आप जानते ही होंगे, सती अनुसुईया के हस्बैंड थे। बाकी उनकी स्टोरी जो इंद्रदेव वाली है वो आई होप सभी को पता होगी। उन्हीं के नाम पे ये जगह जो है अगस्त मुनि पड़ी है, क्योंकि वहीं पे उनका आश्रम है। मौसम देखने के बाद ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है, क्योंकि कुछ उसी टाइप का मौसम बन गया है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। अगस्त मुनि है 13 और गुप्त काशी है 37। जैसे जैसे हिम्मत आती जा रही है ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी देखते हैं क्या फाइनल होता है। हमारे बगल में चल रही है मंदाकिनी, एकदम ब्लू वाटर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रोड कंस्ट्रक्शन देखो ऐसे हो गए सारे, पर ठीक है, मतलब ये इंफ्रा डेवलप होने से बहुत फायदा होता है। जो गाड़ियां स्लो स्लो चलती थी, पेट्रोल का एक्स्ट्रा कंजम्पशन होता था, वो सब बच गया। एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, कहीं ना कहीं ये भी है कि एनवायरमेंट को इससे खराब भी होता है, कहीं कहीं पे अच्छा है कि हाँ पॉल्यूशन कम हो रहा है धीरे धीरे। सो हर चीज़ के प्लस और माइनस हैं। केदारनाथ में जब फ्लड आया था तो ये जो लेफ्ट है जो नदी के साइड का एरिया, ये सारा फ्लड में बह गया था। और अभी घरों की कंडीशन भी आप देख सकते हो, हमें एक लोग बता रहे थे कि ये सारा जितना भी नदी के इधर का था ये सारा बह गया था, ये सब धीरे धीरे दोबारा ये लोग बना रहे हैं। और ये नदी है, यहाँ ऊपर तक सारा पानी आ गया था, बट धीरे धीरे सब ने रिस्टोर कर लिया। हम लोग 10 किलोमीटर निकल आए, सही है। गुप्त काशी बचा 24 किलोमीटर, फाटा 39। गुप्त काशी और सोनप्रयाग के बीच में कहीं पे भी देख लेंगे, सोनप्रयाग से थोड़ा सा पहले अपन स्टे कर देंगे, जहाँ बाइक की पार्किंग अच्छी मिल जाएगी। इंटरकॉम से कनेक्ट होने का ये बेनिफिट हो जाता है, सामने वाले ने जो फेस किया तुरंत बताते जाओ कि भाई ये हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे रिवर के पास बाइक लेके, इससे हमें आगे जाना है, बट हमने सोचा कि चलो एक बार इतनी दूर है तो फिर थोड़ा सा एनर्जी आ गई एक्चुअली सारे के सारे लोगों में। भाई नहा रहे हो क्या? ये सब बनाया गया है कि जिससे पानी आए तो वो किनारे की जो मिट्टी है वो ना कट करे। ठंड है क्या? सबकी ले लो आज, पवन भाई एक एक करके जल्दी जल्दी। सो भाई टाइम हो रहा है 4:30, अप्रॉक्स 1 घंटा हो गया हम लोग को। और यहाँ आके हम लोग ने नीचे बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद पानी में मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। अभी जितनी लो एनर्जी थी वो सारी खत्म हो गई, अब सब एनर्जेटिक हो चुके हैं। कैसा लग रहा है भाई? इतनी फोटो खिंचाई, इतना एंजॉय किया, मजा आ गया। अब लेकिन यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है बारिश का, और अगर बारिश हो गई तो हमारी जितनी मेहनत है, क्योंकि जितना भी रेन कोट या सब कुछ है वो सारा अंदर रखा हुआ है और हो जाएगी गड़बड़। सो अब निकलते हैं यहाँ से। राघव भाई रेडी हो गए? चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ यार, बहुत लेट हो जाएंगे।
सो अब हमने डिसाइड किया है कि जहाँ रूम मिलेगा वहीं ले लेंगे, ट्राई करते हैं कहाँ मिलता है। ये लोकेशन, ये व्यू बहुत अच्छा था। अब यहाँ से निकलते हैं, सबकी फोटो हो गई, सब कुछ हो गया। पहाड़ी डॉग्स बहुत सही लगते हैं देखने में, इनके ऊपर इतने बाल होते हैं कि खासकर सर्दियों की वजह से, कि सर्दियों में इनको दिक्कत नहीं होती है, ठंड नहीं लगती है। वैसे केदारनाथ है 54 और फाटा है 20 किलोमीटर, गुप्तकाशी 6 किलोमीटर है सिर्फ। सही है यार, गुप्तकाशी में अगर मिलेगा होटल तो और अच्छा रहेगा। अभी पीछे लैंडस्लाइड जोन था और इतनी पतली रोड थी, एक ट्रक निकल रहा था, काफी देर हम लोग को उसके पीछे चलना पड़ा, इतना ज्यादा कंजस्टेड रोड था। भाई ये व्यू देखो जरा, इधर फुल पानी ही पानी है इधर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, और एकदम ग्रीनिश वाटर है। अभी हम लोग हैं गुप्तकाशी में और यहाँ पे रोकता हूँ, सबको आ जाने देता हूँ, एक बार पीछे ही हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और भाई कल रात को कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हिम्मत ही नहीं थी ब्लॉग एंड करने की, सो अब कर रहा हूँ, नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। यहाँ से हम लोग निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए, सोनप्रयाग के बाद फिर गौरीकुंड होते हुए हम लोग जाएंगे आज केदारनाथ ट्रैक करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो नज़ारा है हमारे होटल से, वो बहुत ही अच्छा है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। सो भाई खुले में नहा रहे हैं, कुछ लोग अंदर नहा रहे थे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा, और हमें इस रूट से ऊपर जाना है, यहाँ से ऐसे इससे जाएंगे ऊपर सोनप्रयाग तक, और सोनप्रयाग के बाद फिर वहाँ से ट्रैकिंग शुरू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दें। और वैसे तो हमारी पूरी जर्नी बहुत अच्छी है, केदारनाथ दर्शन के बाद हम लोग जाएंगे इंडियाज लास्ट विलेज माना और बद्रीनाथ भी, लेकिन ये दोनों वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। पहाड़ों में देखो, मैं झरने में ना रहा हूँ, पाइप में दिखने देना।